हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बारिश के भिंडी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे खेत में काफ़ी तेज़ी से फूल लगा है और फल भी लगा है। बारिश की भिंडी की खेती है दोस्तों। बारिश में थोड़ा पौधा जो होता है भिंडी का काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा तोड़ने में, फल को निकालने में परेशानी होता है। तो दोस्तों बारिश का जो होता है कि भिंडी होता है उसमें दवा का कम से कम उपयोग करना पड़ता है, खाद का भी कम से कम उपयोग करना पड़ता है और विकास वो ज़्यादा करता है। आप पूरे खेत में देख रहे हैं किस प्रकार से फूल लिया है और काफ़ी तेज़ी से फूल लिया है। अब मैं कली को भी दिखा दे रहा हूँ कि हर जगह कितना लगा हुआ, कितना टूट चुका है, और भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बारिश की भिंडी थोड़ा कठिन है उगाना, बट क्या है कि इनकम आपको अच्छा देता है, काफ़ी लंबे समय तक तोड़ता है। आप अगर गर्मी से बोए हैं तो उसको बारिश तक उसको आप पैदा कर सकते हैं, उसमें बारिश तक उसका उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बारिश की भिंडी में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और लंबे समय तक आप इसका तोड़ाई कर सकते हैं, लंबे समय तक इनकम ले सकते हैं। बारिश की भिंडी की सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों, और ये गर्मी का ही भिंडी है। गर्मी में हुआ, उसके बाद बारिश में ही यही भिंडी चलने लगा दोस्तों, और काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है। अभी तक दोस्तों इससे दो से ढाई लाख के आसपास निकल चुका है अभी तक, और अभी तक निकल ही रहा है दोस्तों। तो गर्मी की भिंडी एक अच्छा बीज का अगर आप चूज कर रहे हैं तो वो आपका गर्मी में ही चलेगा, उसके बाद आपका जो है कि पूरा बारिश भी डका देगा। और बारिश का जो थोड़ा पौधा होता है दोस्तों काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से बढ़ जाता है तो थोड़ा सा किसानों को उसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होता है, पौधा तोड़ना पड़ता है इसको। कुछ ड्रेसेस होते हैं और ग्लव्स होते हैं, वो पहन के तोड़ना पड़ता है, सावधानी भी बरतना पड़ता है, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, चले जाते हैं इसमें। तो सुरक्षा के दृष्टि से भी देख के सारी चीज़ें सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों सावधानी नहीं बरतेंगे तो घटना भी हो सकता है। और भिंडी का दोस्तों बहुत ही आसान खेती है, अगर आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं तो अपने खेत में ज़रूर बोएं, और गर्मी के लास्ट में बोएंगे तो आपका गर्मी भी चलेगा और बारिश भी पूरी तरह से बारिश में भी चलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।